इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक हॉकी में पदक जीतने का 41 साल का इंतजार खत्म हुआ। भारत की पुरुष टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत की तरफ से सिमरनजीत सिंह ने किए 2 गोल, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने 1-1 गोल करके जर्मनी की उम्मीद तोड़ी। भारतीय हॉकी टीम ने दिखाया जीत का जज्बा, 2-2 बार मैच में पिछड़ने के बाद भी वापसी की, 1-3 से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की। ऐतिहासिक जीत के बाद भावुक हुए भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी, कप्तान मनप्रीत, गोलकीपर श्रीजेश समेत कई खिलाड़ियों के आंखों में आंसू आए। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को बधाई दी, कहा प्रफुल्लित भारत, प्रेरित भारत, गर्वित भारत, हॉकी टीम ने पूरे देश को दिया गर्व का क्षण। जीत के बाद पीएम मोदी ने पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत से बात की और दोनों कोच से भी उन्होंने बात की। कांस्य पदक जीतने के लिए टीम को बधाई दी। मनप्रीत से पीएम बोले, आपने रचा इतिहास। पीएम मोदी ने देखा हॉकी टीम का पूरा मैच देखने के लिए आज नहीं किया गया योगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हॉकी टीम को बधाई दी, कहा टीम ने मेडल के साथ भारतीयों का दिल भी जीता, दबाव के बावजूद हासिल की है जीत। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने कहा भारतीय हॉकी टीम ने पुराना गौरव लौटाया, कमाल की हॉकी खेली, 41 साल का इंतजार खत्म किया। भारतीय टीम के हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पूरे देश में जश्न। अमृतसर में गुरजंत सिंह के घर के बाहर लोग नाचते हुए नजर आए। जालंधर में टीम इंडिया के कैप्टन मनप्रीत सिंह की मां भावुक हुई, कहा भगवान ने मेरी अरदास सुन ली। पंजाब के बटाला में सिमरनजीत सिंह के घर पर बांटी गई मिठाइयां, घर वालों ने खुशी से लोगों को गले लगाया। मणिपुर के इम्फाल में भारतीय पुरुष खिलाड़ी नीलकंठ शर्मा के परिवार ने भी जीत का जश्न मनाया, ढोल नगाड़े बजाकर नाच गाकर सेलिब्रेट की। ओलंपिक में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती में हुआ बड़ा उलटफेर। स्टार रेसलर विनेश फोगाट हारी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, बेलारूस के खिलाड़ी ने 9-3 से हराया। महिला कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में मौके को नहीं भुना पाई अंशु मलिक, 1-5 से हारी। ओलंपिक कुश्ती में आज गोल्ड के लिए अखाड़े में उतरेंगे भारत के रवि धैया, 57 किलोग्राम वर्ग में रूसी पहलवान से भिड़ेंगे। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई, कोर्ट ने कहा अखबारों में छपी जासूसी पर रिपोर्ट अगर सही तो यह मामला बेहद गंभीर। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, याचिका दायर करने वालों ने शिकायत क्यों नहीं की। कोर्ट ने PIL दाखिल करने के तरीके पर भी सवाल उठाया, कहा याचिका में पेपर कटिंग्स के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बीजेपी पर पलटवार, कहा हम चाहते हैं पेगासस पर चर्चा हो, सरकार कहती है विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, आखिर सरकार चर्चा क्यों उससे भाग रही है। महंगे तेल की कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूरे राज्य में शुरू साइकिल यात्रा। लखनऊ में पार्टी दफ्तर में साइकिल पर निकले अखिलेश यादव। साइकिल यात्रा शुरू करने से पहले अखिलेश ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला, सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया, कहा सरकार की नाकामी से कई सैकड़ों लोगों की जान। अखिलेश ने कहा सीएम योगी पूरी तरह से नाकाम रहे, कोरोना काल में बद इंतजामी से बेरोजगारी से यूपी नंबर 1। अखिलेश का दावा बद इंतजामी के कारण बीजेपी को नहीं मिलेंगे उम्मीदवार, 400 सीट भी जीत सकती है समाजवादी पार्टी। रामलला के दर्शन करने अयोध्या राम मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर के भव्य मॉडल का मुआयना किया। राम मंदिर के शिलान्यास का 1 साल पूरा होने पर अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम, पीएम मोदी अन्य योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज यूपी में 80 लाख लोगों को बांटा जाएगा फ्री राशन, पीएम कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, योगी भी मौजूद रहेंगे। योगी अयोध्या के वासुदेव घाट पर अन्य योजना के लाभार्थियों को बांटेंगे अनाज, हर लाभार्थी को मिलेगा 25 किलो अनाज से भरा बैग। पेगासस जासूसी मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा, सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में भी कोई कामकाज नहीं, विपक्षी सांसद पहुंचे वेल, कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, बार बार हंगामे और संसद के काम रोके जाने से 130 करोड़ का नुकसान हुआ है। रविशंकर प्रसाद का आरोप, कांग्रेस नहीं चाहता है कि चर्चा करे, कांग्रेस को सिर्फ कीचड़ उछालना और वॉकआउट करना ही आता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A हटने के 2 साल पूरे हुए, कार्यकर्ताओं के संग तिरंगा लेकर झूमे जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। आर्टिकल 370 और 35A हटने की दूसरी वर्षी पर श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा, शहर में जनजीवन सामान्य। धारा 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने पर बोले केंद्रीय मंत्री नकवी, का कुछ परिवार के लोग 370 को सुरक्षा कवर बनाकर कर रहे थे राजनीति, 370 हटना उनके लिए समस्या। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आईडी के जरिए बलेरो गाड़ी को उड़ाए, गाड़ी में सवार 12 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। दिल्ली के बाबर रोड के नाम पर घमासान, कुछ लोगों ने नेम प्लेट पर बाबर नाम हटाकर ढकने की कोशिश की, 5 अगस्त मार्क लिखने की कोशिश हुई। बैंगलोर में कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के घर पर आयकर ने छापा मारा, घर के अलावा ट्रैवल के दफ्तर पर भी कार्रवाई। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कल, अफगानिस्तान के हालात की समीक्षा की जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार पद से हटे प्रशांत किशोर, सार्वजनिक जीवन में एक्टिव रोल से फिलहाल ब्रेक लेने का तर्क दिया।
देश में कोरोना के करीब 43,000 नए केस सामने आए हैं। 533 संक्रमितों की जान गई है। मुंबई में एक दिन बाद फिर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने कल रात 9 बजे से लाइन लगाई। मुंबई में वैक्सीनेशन फिर से शुरू होने के बाद भी बीकेसी जंबो सेंटर पर लोग परेशान, लोगों को नहीं मिल पा रही है डोज। दोनों वैक्सीन ले चुके भारत के यात्रियों को ब्रिटेन में 10 दिन के क्वारंटीन की जरूरत नहीं। ब्रिटेन ने भारत को रेड से एम्बर लिस्ट में डाला है। WHO ने कोरोना के बूस्टर डोज पर सितंबर तक रोक लगाने की बात कही है। विकसित देशों और गरीब देशों में वैक्सीनेशन के गैप का तर्क दिया है। महाराजगंज में 686 करोड़ रुपए की नशीली की दवाइयां जब्त की गई और एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। एक फरार आरोपी को स्थानीय मेडिकल स्टोर और नेपाल में बेची दवाएं। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरते पत्थरों से रास्ता बंद हुआ, सैकड़ों लोग फंसे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने डैम का एक गेट तकनीकी खराबी के कारण टूटकर बह गया, निचले इलाकों में पानी का बहाव बढ़ा। पश्चिम बंगाल में द्वारका नदी का जलस्तर बढ़ने से मुसीबत बढ़ी, बीरभूम में एक पुल का हिस्सा भी टूटा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भोंग शहर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया, मंदिर में आगजनी की भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ा। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मंदिर पर हमले का फेसबुक लाइव भी प्रसारण किया। पुलिस की नाकामी के बाद पाकिस्तान के रेंजर्स को तैनात किया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।